अजमेर में एक प्रवासी मिला पॉजिटिव, गुजरात से आया था प्रवासी। आज अजमेर में 22 और मरीज ठीक होकर पहुंचेंगे क्वारंटाइन सेंटर। डॉक्टर संदीप माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर से एक कोरोना वायरस मरीज निकला है और गुजरात के साबरमती से लौटा था। युवक 20 वर्षीय और पुष्कर निवासी है, जिसकी रिपोर्ट भी सैंपल के दौरान पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा अजमेर में आज 22 और मरीज ठीक होकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचेंगे। अजमेर में अब केवल 65 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं, जिनका उपचार भी जारी है और जल्दी वह भी ठीक होकर क्वारंटाइन सेंटर भेजे जाएंगे। इसके अलावा अजमेर में केवल 5 ही मृत्यु होनी बताई जा रही है। अभी अभी हमारे पास में एक मरीज की रिपोर्ट और पॉजिटिव आई है। ये भी प्रवासी हैं, साबरमती गुजरात से आए हैं, 30 वर्षीय युवक हैं और पुष्कर मोतीसर निवासी हैं। हमारे यहाँ पहले से भर्ती थे, आए, इन्होंने समझदारी करी, यहाँ की भर्ती होकर जाँच कराई और जाँच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे स्वस्थ हैं और कोई तकलीफ नहीं है इनको। और इस तरीके से कुल मिला के जो हमारा फिगर हो जाता है 259 का हो जाता है। साथ ही अच्छी खबर ये है कि आज हम फिर 22 मरीजों को कोरोना फ्री करके क्वारंटीन सेंटर भेजेंगे। तो अगर एक्टिव केसेस निकाला जाए तो हमारे एक्टिव केसेस कुल मिला के 65 रह जाते हैं, जिसमें यह वर्तमान मरीज भी शामिल है। तो एक्टिव केसेस काफ़ी कम हैं हमारे। हमारी रिकवरी रेट राजस्थान की रिकवरी रेट से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब तो अच्छे संख्या में हमारे लोग रिकवर होके घर, मतलब क्वारंटीन सेंटर और फिर क्वारंटीन सेंटर से घर जा चुके हैं। हमारी डेथ रेट बहुत कम है आप तक की सिचुएशन में, और हमारे सारी व्यवस्थाएँ भी हमारी सब अच्छी हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक, सब चीज़ें कंट्रोल में है। लगभग सर डेथ कितनी हो गई है अब तक? अब तक कुल मिला के डेथ हमारी 5 हुई हैं। 5 में से 4 डेथ थी वो लोग थे जो अस्पताल में ऑलरेडी भर्ती थे, और एक जो बॉडी आई थी हमारे पास डेड बॉडी थी, उसका सैंपल कराया तो वो पॉजिटिव आई थी। क्योंकि वैसे देखा जाए अस्पताल की डेथ कुल 4 ही हैं। अच्छा सर, लगभग अब तक आपके पास कितने ठीक होकर जा चुके हैं? मैंने बताया ना 200, हमारे पास टोटल इस वक्त 65 मरीज भर्ती हैं। तो आप 259 में से 65 निकाल लीजिए इतने से, और उसमें से 5 और कम कर लीजिए, बाकी सब हमारे ठीक हो जा चुके हैं।